हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन तीखा स्वाद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल भाफला रेसिपी। इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक कटोरी आटा लेंगे। नॉर्मल रोटी के लिए जो आटा यूज़ किया जाता है, मैंने वही आटा यूज़ किया है। आधे से थोड़ा कम हमने ये बेसन लिया है, नॉर्मल बेसन है। साथ ही अजवाइन ली है आधा चम्मच से कम, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच से कम हल्दी डाल देंगे। और देखिए, मोयन के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। अब इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, आटा जब ऐसा हो जाए, इसकी मुट्ठी बनने लगे, तब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा नॉर्मल रोटी के लिए आप आटा गूंथते हैं, वैसा ही आटा आपको गूंथ लेना है। देखिए, इस तरीके का हमने आटा तैयार कर लिया है। नॉर्मल जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, हमने उसी तरीके से इसको भी तैयार किया है, आप देख सकते हैं। अब इसको कुछ टाइम के लिए ढक के रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट बाद इसे खोल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, ये अब अच्छे से नरम हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी बाटियाँ बनाना तैयार करेंगे, शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको गोल गोल करके इसकी बाटियाँ बना लेनी है। ध्यान रहे, इसमें बिल्कुल दरार नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल प्लेन हो। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। देखिए, ये बाटी हमारी तैयार है, इसको हमने इस तरीके से कर लिया है। इसी तरीके से हम हमारी सारी बाटियाँ तैयार कर लेंगे। हमने सारी बाटी इस तरीके से बना ली है। अब इसको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने भगोनी में पानी ले लिया है, आधे से थोड़ा कम हमने इसमें पानी ले लिया है, और इसको थोड़ा गर्म कर लिया है। पानी के गर्म हो जाने पर इस पर धीरे धीरे से हमने जो बाटियाँ ली हैं वो डाल दी हैं। अब इन बाटियों को अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसके लिए इसके ऊपर ढक लगा के रख देंगे। 3 से 4 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो देखिए, वो पक चुकी हैं और बहुत हद तक ऊपर आ चुकी हैं। देखिए, इस तरीके से ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइए पक चुकी हैं। अब इसको गैस तेज करके कुछ देर और पकने दें। देखिए, अभी हमारी पक चुकी हैं। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगी और ऊपर आने लगेंगी और थोड़ी फूल भी जाएंगी। तो उस टाइम पे आपको गैस बंद कर देना है और इनको ठंडे होने के लिए निकाल लेना है। तो देखिए, इनको इस तरीके से निकाल लें, छान के पानी को अच्छे से। देखिए, इस तरीके से इनको ठंडा कर लेना है। अब इनके पीसेस काट लेने हैं। मैं 2 पीसेस में काट रही हूँ, बिना पीसेस काटे भी रख सकते हैं या 4 पीसेस भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी को इस तरीके से 2-2 पीसेस में काट लिया है, सारी बाटियों को। आप देख सकते हैं, अंदर से बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैं घी लूँगी, मैं डीप फ्राई करूँगी। आप कम घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें बाटी डालना है, थोड़ा सा गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल गर्म हो जाए उस टाइम पर इसमें ये बाटियाँ डालना स्टार्ट करना है। धीरे धीरे, एक साथ ज़्यादा बाटी को नहीं डालना है। इस तरीके से सारी बाटियाँ इसमें डाल देंगे। अब इनको देखिए, धीरे धीरे इस तरीके से पलटना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सॉफ्ट होती हैं तो टूट सकती हैं, तो थोड़ा छोटे चम्मच का यूज़ करें और इनको धीरे धीरे पलटते रहें जैसे जैसे ये सीखती जाएँ। देखिए, इनका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इनको आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा गोल्डन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी कलर में भी, नॉर्मल गोल्डन में भी आप रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसको कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं, अब इनको सर्व कर लेते हैं। ये हमारी बाटी तैयार है दोस्तों।